हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों आपको बता दें, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में जो कि आज ही रिलीज हुआ है इसका नोटिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिक्वायरमेंट 2020। दोस्तों बेहद खुशी की बात है, जो आरपीएफ पेंसिलरी के कैंडिडेट हैं, जो सीआईएसएफ ट्रेड्समैन के कैंडिडेट हैं, बिल्कुल सेम वही भर्ती ये है। जो जो पोस्ट आप लोगों की थी वही यहाँ पर है, ट्रेड्समैन की भर्ती है। यहाँ पर सफाई वाला यूं कहें कि स्वीपर, वाशरमैन, बार्बर, माली, कुक, टेलर, इन सभी के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आप लोगों को ऑफलाइन आवेदन करना होगा, ना कि ऑनलाइन। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कैसा क्या है हर एक चीज को, कि कैसे आप एप्लीकेशन करेंगे, आपके पोस्ट कौन कौन सी हैं, कितनी पोस्ट हैं और क्या क्या आप लोगों की योग्यताएं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों हम आगे बढ़े वीडियो में, आपसे गुजारिश है क्या कि चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब अवश्य करें और साइड में बेल आइकन दिख रहा होगा उसको भी प्रेस कर देना। जी हाँ दोस्तों, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं हर एक चीज को। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, हम आ गए हैं नेक्स्ट स्लाइड में और आप यहाँ पे देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 155 बेस हॉस्पिटल। जी हाँ दोस्तों, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल इंडियन डोमिसाइल कैंडिडेट हु आर विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया फॉर द फॉलोइंग ग्रुप सी पोस्ट। यहाँ पर इन पे मैट्रिक्स आस नोटेड अगेंस्ट इस प्लस अदर अलाउंसेस आस क्या है एडमिसिबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। यहाँ पे बोला है द डिटेल्स ऑफ पोस्ट एंड एलिजिबल क्राइटेरिया आर एस अंडर। मतलब दोस्तों आप समझ गए हैं कि इसका मतलब है जो इंडिया के सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, इंडिया के बाहर वालों के लिए नहीं। और जो जो केंद्र सरकार के, रक्षा मंत्रालय के, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो जो अलाउंसेस रहते हैं वो सारे के सारे आपको मिलेंगे, यहाँ पर फॉलो होंगे आपके गवर्नमेंट के, है ना। और आप पूरी इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में सर्व अपनी सेवाएं दे सकते हैं, इन्होंने यहाँ पे बोला है। ग्रुप सी के पोस्ट एक पोस्ट है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रुप सी पोस्ट, इन पे मैट्रिक्स यहाँ पे लागू होंगे। चलिए हम वन बाई वन करके यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट है। फर्स्ट क्या है, नेमा पोस्ट स्टेनो सेकेंड। जी हाँ दोस्तों, रिजर्व कैटेगरी यूआर के लिए एक पोस्ट है, ओबीसी के लिए यहाँ पर एक पोस्ट है, एससी एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, टोटल टू पोस्ट है। पे लेवल रहेगा यहाँ पर क्या, पे लेवल फोर, यहाँ पर 25,500। और दोस्तों यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात की है, 12th पास आर इक्विवेलेंट इज फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। या तो 12th पास हो या इसके संबंधित, मतलब की समकक्ष आपके डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पे डिजायरेबल बोला है स्किल टेस्ट नॉर्म्स। यहाँ पे दोस्तों आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, मैं एक और वीडियो लाऊंगा। और रिमार्क की बात करें तो मेल और फीमेल दोनों ही यहाँ पर एलिजिबल है, डाल सकते हैं। नेक्स्ट है क्या, बार्ड सहायिका। तो दोस्तों बार्ड सहायिका के लिए भी यहाँ पर 9 पोस्ट है यूआर की, और यहाँ पर एससी के लिए 2 हैं, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 5 हैं, और नेमा पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट टोटल 17 है। ओके, यहाँ पर पे मैट्रिक्स की बात करें तो लेवल 1 रहेगा और टोटल 18,000। और मैट्रिकुलेशन आर इक्विवेलेंट फॉर्म आर रिकॉग्नाइज सेंट्रल स्टेट बोर्ड। यहाँ पर एक्सपीरियंस आशा डिले, यहाँ पे आप इसको पढ़ लेना, यहाँ पर फीमेल ओनली अप्लाई कर सकती हैं। नेक्स्ट है क्या, आपका चौकीदार। यहाँ पर टोटल एक पोस्ट है यूआर की और नंबर ऑफ पोस्ट टोटल एक ही है, लेवल वही रहेगा, 18,000 सैलरी रहेगी। और यहाँ पर आप इसको पढ़ लेना, ओनली मेल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है क्या, आपका सफाई वाला। यहाँ पर टोटल यूआर की पोस्ट है 3 और आपके एससी की है 1, ओबीसी की है 1, टोटल पोस्ट यहाँ पे जाती हैं 5। यहाँ पर पे लेवल 1 और आरएस आपके यहाँ पर टोटल 18,000 सैलरी रहने वाली है। और यहाँ पे आप देख लेना, ओनली मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बार बार, यहाँ पे भी टोटल 2 पोस्ट हैं, वही सेम है, यहाँ पर ओनली मेल अप्लाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट आता है क्या, वाशरमैन। चलिए हम देखते हैं अगली स्लाइड में। तो दोस्तों बात करते हैं वाशरमैन की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वाशरमैन भी यहाँ पे दो दो पोस्ट हैं और एक जे है, टोटल यहाँ पे पांच पोस्ट जाती हैं। और आपका लेवल 1 यहाँ पर RS 80,000, यहाँ पर ओनली मेल ही अप्लाई कर पाएंगी। सफाई वाला हो गया, सफाई वाले के लिए यहाँ पर टोटल 6 पोस्ट हैं और आप इस चीज को पढ़ लेना, ओनली फीमेल यहाँ पर बोला गया है कि फीमेल ही अप्लाई कर सकती है सफाई वाले के लिए। नेक्स्ट है टेलर, तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी 2 है UR की ओनली, और यहाँ पे वही सेम लेवल रहने वाला है लेवल 1, और 18,000 आपके क्या रहेंगे सैलरी ओनली। यहाँ पर मेल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बोला है क्या, ट्रेड्समैन मेट के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट है UR की और ST की, एक मिला के ST SC की है नहीं, UR की है, OBC की है। और यहाँ पर भी वही सेम लेवल रहने वाला है ओनली मेल कैटेगरी के लिए। माली की यहाँ पे कितनी पोस्ट है, 4 है UR की, 1 है SC की और 1 है आपकी किसकी, OBC की। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 7 पोस्ट है। ओके, और यहाँ पे सारी चीज आप पढ़ लेना ओनली मेल। नेक्स्ट आता है कॉरपेंटर, यहाँ पे टोटल पोस्ट 1 है। नेक्स्ट आता है पेंटर, यहाँ पे टोटल पोस्ट 1 है। इसी प्रकार से कुक, यहाँ पर टोटल पोस्ट 2 है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं और इसमें क्या रहेगा। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं नेक्स्ट स्लाइड में, आप यहाँ पे देख सकते हैं एज लिमिट एंड इट्स रिलैक्सेशन हु प्रोड्यूस, यहाँ पे बोला है द वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ कॉस्ट कैटेगरी। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों की जो एज होनी चाहिए वो बताया गया है कैटेगरी वाइज, UR की 18 साल से 25 साल तक। ओके, आपका यहाँ पर जो 2020 से नोटिस किया जाएगा आपकी OBC से 18 से लेके 28 तक रहेगी। आपका यहाँ पे 3 वर्ष का आरक्षण मिल जाता है। SC ST के लिए यहाँ पर 18 से 30 तक रहेगी, इन लोगों को 5 वर्ष का मिल जाता है। और PH OH यहाँ पर 10 ईयर्स का, 15 ईयर्स का, जैसे जैसे इनको मिलता है उस हिसाब से इन लोगों का आरक्षण मिल जाएगा एज में। एक्स सर्विस मैन के लिए अपर एज लिमिट, यहाँ पे दोस्तों इनके लिए छूट रहती है, आप इसको पढ़ लेना। ओके चलिए, अब जे क्या लिखा है इसको जरा हम पढ़ लेते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे बोला गया है क्या, एलिजिबल कैंडिडेट शुड अप्लाई विद बायोडेटा। जी हाँ दोस्तों, आपको आपके बायोडेटा के साथ अप्लाई करना है। ड्यूली सीन अलॉन्ग विद अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट दिया है कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स एंड सेल्फ एड्रेस्ड, यहाँ पे एनवलोप विद पोस्टल स्टैम्प ऑफ RS 25 इन अ एनवलोप विद हेडिंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एड्रेस्ड टू कमांडेड, यहाँ पर 155 वेस्ट हॉस्पिटल पिन 7840001 तेजपुर। द क्रूशियल डेट फॉर क्या, डिटरमिनिंग द एज लिमिट शैल बी क्लोजिंग डेट, यहाँ पे 21 डेज फ्रॉम द ड्यू ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट क्या है, फॉर रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन इन इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विदाउट नेशनलिटी सिटीजन सर्टिफिकेट इशूड बाय अथॉरिटी ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हु फोटोग्राफ्स एंड पोस्टल स्टैम्प्स विल बी रिजेक्टेड आउट राइटली। ओके, तो इसका मतलब क्या निकलता है फ्रेंड्स, इसका मतलब निकलता है कि डियर फ्रेंड्स आप लोगों को आपके बायोडेटा के साथ यहाँ पर एप्लीकेशन देना है, वो भी एक लिफाफे में जिसमें आपके जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं उनको आपको बाकायदा लगाना है 2 कॉपीज, जी हाँ दोस्तों लिफाफे के अंदर रखना है। यहाँ पर आपकी 2 कलर पासपोर्ट साइज की फोटो भी आपको लगानी है और इसके साथ साथ आपको पोस्टल स्टैम्प भी लगाना है 25 रुपीज का। आप दोस्तों एक बात और इन्होंने बोली है साफ साफ कि आपको जो इंडियन सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पर जरूर जरूर लगाना है, जी हाँ दोस्तों, जो कि अथॉरिटी द्वारा इशू किया गया हो, क्योंकि इसके बगैर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इंडियन सिटीजनशिप का आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट लगाना है। ओके, और यहाँ पे लास्ट में जैसे कि इन्होंने बोला है पोस्टल स्टैम्प्स
रिजेक्टेड, बगैर इसके इन चीज़ों के यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बात करें आपके यूएच की, तो यहाँ पर बोला है पब्लिकेशन की डेट से 21 दिन के जो आपका ड्यूरेशन रहेगा इसी के टाइम में आपकी इस काउंट की जाएगी। ओके, 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पर एज लिमिट के बारे में दिया है क्लोजिंग। ओके, तो दोस्तों यह सारी इंफॉर्मेशन थी, लास्ट में यहाँ पे दिया है आपको यहाँ पर इस नाम से भेजना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एड्रेस टू कमांडेंट 155 बेज हॉस्पिटल पे, ने दिया है तेजपुर, लिफाफे के ऊपर लिख देना है। और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि इन्होंने फॉर्मेट भी दिया है कि आपको इस फॉर्मेट में सबमिट करना है। आप डिमांड आ रही है क्या सर हम लोगों को फॉर्मेट प्रोवाइड कराइए, तो दोस्तों जल्दी हम इसको प्रोवाइड करा देंगे, आप इसकी टेंशन ना लो। ओके, अब इसका फुल नोटिफिकेशन भी आना बाकी है, तो फ्रेंड्स जरा वेट करें, मैं जल्द से जल्द आपको सारी सारी इन्फॉर्मेशन और आपको व्हाट्सएप पर बाकायदा यहां पर आपके जो सर्टिफिकेट फॉर्मेट है इसको हम सेंड कर देंगे, आप उसकी टेंशन ना लो। यहां पर एप्लीकेशन आरएन बाय डेट 1, यहां पर ये सारी चीजें दी हैं। यहां पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इस टाइप से करना है, पोस्ट अप्लाइड नेम, यहाँ पे हर एक चीज, कैंडिडेट फादर्स गाइडेंस नेम डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे हर एक चीज को फिलअप करना है, ये सारा फॉर्मेट हम आपको दे देंगे। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें, यहाँ पर आपका फोटोग्राफ लगाना है। ओके, और वीडियो को आप लाइक करते जाएं और अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि जो भी भाई मित्रगण है सभी की हेल्प हो सके। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।